सो हे गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ना गाइस, काफ़ी मस्त होने वाली, क्योंकि आज हमारे पास है हुस्क्वर्ना की विटफिलियन 250, जो कि गाइस काफ़ी मस्त लगती है। आपको एकदम यूनिक डिज़ाइन ऑफ बाइक देखने को मिल जाती है और फीचर लोडेड आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है हर एक चीज़, ठीक है। चाहे फ्रंट देख लो, चाहे रियर देख लो, चाहे साइड से देख लो, बहुत मस्त लगती है। तो आज फुल डिटेल में बात करने वाले गाइस कि आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाने वाले, क्या प्राइसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली, एक शोरूम, ऑन रोड, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो बात करें गाइस सबसे पहले ना इसकी फ्रंट लुक्स की, तो यहाँ पर आप लुक्स चेकआउट कर लो, बहुत मस्त लगती है गाइस। बड़ी सी आपको यहाँ पर इसकी हेडलाइट देखने को मिल जाती है फुल्ली एलईडी में। क्लोज से बात करें ना तो बीच में आप देख लो हुस्क्वर्ना की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाने वाली, जो कि काफ़ी मस्त है। और यहाँ पर आपका एलईडी में जो रिफ्लेक्टर बेस है ना, वो आपको यहाँ पर हेडलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त है। और इसकी जो पूरी सराउंडिंग है ना गाइस, आपको यहाँ पर मेटल में देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है ब्लैक कलर में, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और इंडिकेटर देख लो गाइस, बहुत मस्त एलईडी में आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसे मैं एक बार ऑन भी करके दिखा देता हूँ, तो ये आप चेकआउट कर लो, बहुत मस्त लगती है गाइस देखने में। तो अब बात करें इसकी सस्पेंशन की, तो यहाँ पर ना गाइस जो सस्पेंशन आपको मिलती है ना, बहुत प्रीमियम WP Apex के आपको यहाँ पर 43 mm डायमीटर के आपको यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, वो भी अप साइड डाउन। और इसकी ट्रैवल की बात करें ना, तो 150 mm की आपको यहाँ पर ट्रैवल देखने को मिल जाने वाली है। इसकी मडगार्ड देख लो गाइस, कितनी चौड़ी आपको देखने को मिलती है, काफ़ी स्पोर्टी आपको यहाँ पर मडगार्ड देखने को मिल जाती है। हुस्क्वर्ना की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, लोगो देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी मस्त है। और इस तरफ आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाती है, और इस तरफ भी, ठीक है। साथ ही इसकी बात करें ब्रेक्स की और इसके अलॉय व्हील्स की, तो इसकी जो अलॉय व्हील्स है ना गाइस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल जाने वाली, पिछले से जो मॉडल आती थी ना उससे। यहाँ पे आपको 6 spoke की आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है, वो भी ग्लॉसी ब्लैक में, काफ़ी मस्त लग रही है। टायर सेक्शन की बात करें तो 110/70 R17 की आपको यहाँ पर इसके टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। साथ ही गाइस इस टायर की लोड कैपेसिटी की बात करें ना, तो 212 kg की आपको यहाँ पर लोड कैपेसिटी देखने को मिलने वाली फ्रंट वाली। और टॉप स्पीड की बात करें इसके टायर की, तो 180 km/h की आपको यहाँ पर टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अब इसके ब्रेक्स की, तो यहाँ पर ना गाइस आपको काफ़ी मैसिव सी इसकी डिस्क देखने को मिल जाती है, 320 mm की आपको देखने को मिल जाती है, 320 mm की आपको यहाँ पर डिस्क मिल जाने वाली है। साथ ही आपको ABS की रिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर, आप देख लो। और यहाँ पर गाइस जो ब्रेक्स कैलिपर मिलते हैं ना, वो आपको फ्लोटिंग टाइप देखने को मिल जाते हैं, वो भी बाइब्री की तरफ से, जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने वाला है, ठीक है। डुअल पिस्टन मिलती है, जो कि काफ़ी मस्त बात है। और इसके अलावा इसमें गाइस यहाँ पर आप देख लो, व्हाइट कलर में आपको पूरी ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है विटफिलियन की, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है, काफ़ी स्पोर्टी आपको यहाँ पर फील आने वाली है। और थोड़ी अंदर की साइड आप देख लो, यहाँ पे आपको ना पूरी जो रेडिएटर है ना, वो देखने को मिल जाती है, एक सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और एग्जॉस्ट आपको पूरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाती है, अंडर बेली एग्जॉस्ट आती है, जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करके देने वाली है। चलते इसके साइड की तरफ देखते, साइड में आपको क्या क्या मिल जाती है। तो कहीं यहाँ पर आपको ना एकदम यूनिक डिज़ाइन में आपको यहाँ पे विटफिलियन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है, ग्लॉसी में है गाइस, काफ़ी प्यारी लगती है। और ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो ना, ये आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ी सी नियॉन ग्रीन कलर के आपके यहाँ इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मस्त लगते हैं। और ऊपर की साइड यहाँ पर आपको पूरी ग्लॉसी में देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी ब्रॉन्ज कलर की आपको यहाँ पर फिनिश देखने को मिल जाती है इसकी व्ही टैंक कैप में, जो काफ़ी मस्त लगती है। और यहाँ पर आपको हुस्क्वर्ना की ब्रांडिंग भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही इसकी कैपेसिटी की बात करें ना गाइस, तो 13 liter की आपको यहाँ पर इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। एक बार आप इसकी लुक चेकआउट कर लो गाइस, इसकी टैंक की बहुत प्यारी है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। साथ ही गाइस इसके टैंक में ही आपको यहाँ पे की होल देखने को मिल जाता है, और की भी आप चेकआउट कर लो, काफ़ी प्यारी लगती है गाइस। वेव की आपको देखने को मिल जाने वाली है हुस्क्वर्ना की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग के साथ, तो इसे यहाँ पर लगा देते हैं और इसे ऑन भी कर देते हैं, ठीक है। इसके थोड़े नीचे आओगे ना गाइस, तो यहाँ पर आप देख लो, आपको क्रैश गार्ड देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे मिल जाती है। और हुस्क्वर्ना की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। इंजन जो मिलती है ना गाइस, आपको ब्रॉन्ज कलर में देखने को मिल जाने वाली, काफ़ी मस्त लगती है। और यहाँ पर फ्रेम चेकआउट कर लो, ट्रेलिस फ्रेम मिलती है, पाउडर कोटेड, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर इसकी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, जिससे ना गाइस आपको काफ़ी अच्छी एजिलिटी और स्टेबिलिटी भी देखने को मिलने वाली है। इंजन की बात करें गाइस डिटेल में, तो यहाँ पर आपको 249.01 cc की सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड BS6 Phase 2 E20 कंप्लाइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली इंजन, जिसमें आपको जो पावर मिलती है ना गाइस, काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिल जाती है, ठीक है। 31.27 PS की पावर देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको मिलेगी 9500 RPM में। और टॉर्क की बात करें ना, तो 25 Nm की आपको यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाएगी, जो आपको मिल जाएगी 7500 RPM में। और यहाँ पर आपको जो गियरबॉक्स मिलती है ना गाइस, बहुत प्यारी आपको गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है, 6 speed की आती है। यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त है। साइड स्टैंड आती है गाइस, मेन स्टैंड नहीं आती है। और साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ सेंसर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
उसके बाद बात करें इसके फुटरेस्ट की, तो यहाँ पर गाइस आपको रबर पैड में इसकी फुटरेस्ट देखने को मिल जाती है, काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग की गई है, काफ़ी अच्छी लगती है। और पिलियन के लिए भी जो फुटरेस्ट मिलती है वो भी आपको रबर पैड में देखने को मिल जाती है। जो आपको स्विंग आर्म मिलती है ना गाइस, वो आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम फिनिश में देखने को मिल जाने वाली, काफ़ी मस्त लगती है। और जो चेन मिलती है वो आपको ओपन चेन देखने को मिलने वाली है, जिसको आपको 400-500 किलोमीटर में साफ करना पड़ेगा। चलते गए थोड़ी पीछे की तरफ, यहाँ पर आप देख लो ब्लैक कलर की आपको पार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, 250 की छोटी सी ब्रांडिंग मिलती है, की होल देखने को मिल जाते हैं सीट ओपन करने के लिए। और सीट की बात करें गाइस, तो काफ़ी लंबी सी आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल जा रही है, देख रहे हो कितनी लंबी मिल रही है। हुस्क्वर्ना की आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाती है, विट पिलियन की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इसके स्ट्रैप में, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। और सीट हाइट की बात करें ना, तो 820 mm की आपको यहाँ पर सीट हाइट देखने को मिल जाती है, जो कि गाइस थोड़ी सी हायर साइड में, यहाँ पर इंडिया में उतनी हाइट यहाँ पर यानी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी कम होती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन कम्फर्ट ना गाइस काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ना ही ज़्यादा आपको हार्ड ना ही ज़्यादा सॉफ्ट आपको इसकी पैडिंग देखने को मिलने वाली है। ग्रैब हैंडल्स जो मिलते हो गए, जो आपको नॉर्मल सी देखने को मिल जाती है, ज़्यादा कुछ फैंसी आपको यहाँ पे डिज़ाइन में नहीं मिलने वाली है, लेकिन काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्टडी देखने को मिल जाती है। और टेल लाइट गाइस आप एक बार चेकआउट कर लो, ऊपर से ऐसे देखने को मिल जाती है और नीचे से आओगे ना तो ऐसे देखने को मिल जाती है, ठीक है। जब ब्रेक जब पेडल प्रेस करोगे तो ये वाली जलेगी, जो कि काफ़ी मस्त लगती है, रात में तो काफ़ी प्यारी लगती है। और जो ब्लिंकर्स है वो भी आपको यहाँ पे एलईडी में देखने को मिल जाते हैं, नंबर प्लेट लाइट मिलती है वो भी एलईडी में ही देखने को मिल जाते हैं। पहले जो इसकी वर्जन आती थी ना, उसमें आपको जो ये पार्ट है ना ये नहीं देखने को मिलता था, यहाँ पर आपको टायर अगर देखने को मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर गाइस अब इंडिया के हिसाब से आपको ये चीज़ देखने को यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। साथ ही गाइस इस तरफ में आपको सारी गार्ड भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त बात है। अब बात करें इसकी सस्पेंशन की, तो यहाँ पर गाइस WP Apex के आपको यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाने वाला है, जिसमें आपको 150 mm की आपको इसकी ट्रैवल देखने को मिल जाएगी। और फुटरेस्ट आप चेकआउट कर लो, काफ़ी मस्त लगते हैं। और यहाँ पर आपको रेयर ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है, रेयर ब्रेक वाला आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, कूलेंट की आपको कंटेनर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये जो इंजन है ना गाइस, सेम आपको जो KTM Duke 250 मिलती है ना, वही वाली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छी आपको यहाँ पे इंजन मिलती है। बात करें गाइस इसके रेयर व्हील्स की, तो यहाँ पर भी आपको 6 spoke की आपको अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। पहले जो आते थे गाइस वो आपको स्पोक व्हील में देखने को मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको प्रॉपर अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर विट पिलियन की पूरी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है स्टिकरिंग फॉर्म में, जो काफ़ी मस्त लगती है, थोड़ी स्पोर्टी फील कराती है। और यहाँ पर इसकी ब्रेक्स की बात करें तो 240 mm की आपको यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाती है, साथ ही ABS देखने को मिल जा रहा है। और बाइब्रिक यहाँ पर आपको सिंगल पिस्टन इसके कैलिपर देखने को मिल जाते हैं। और स्विंग आर्म गाइस आप चेकआउट कर लो, फुली एल्यूमिनियम फिनिश में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें अब इसके टायर की, तो यहाँ पर आपको 150/60 R17 की आपको यहाँ पर टायर देखने को मिल जाती है, काफ़ी वाइड टायर है गाइस। इसकी लोड कैपेसिटी की बात करें ना, तो 300 kg की आपको यहाँ पर लोड कैपेसिटी देखने को मिल जाने वाली है, और 180 km/h की आपको इसके टायर की टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक बार गाइस आप ओवरऑल इसकी लुक्स चेकआउट कर लो, बहुत प्यारी लगती है गाइस देखने में, एकदम यूनिक डिज़ाइन में आपको इसकी लुक्स देखने को मिल जाता है, बहुत प्यारा लगता है। बात करें गाइस इसके हैंडल बार और इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर ना गाइस जो आपको मिरर मिलते हैं ना, वो आपको रेट्रो डिज़ाइन में मिल जाते हैं, सर्कुलर शेप में, पूरी मैट फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली, देख रहे हो। और बात करें इसके हैंडल बार की, तो यहाँ पर गाइस आपको सिंगल रॉड आपका हैंडल बार देखने को मिल जाता है, जितने भी आपको यहाँ पे स्विचेस मिल रहे हैं ना गाइस, सारे के सारे आपको यहाँ पे एल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मस्त लगते हैं। जो आपको क्लच लीवर मिलती है ना गाइस, बहुत लाइट आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्लिपर क्लच भी देखने को मिल जाता है, हेडलाइट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम एंड पास करने की स्विच, हैजार्ड की स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करने के लिए स्विचेस मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर की स्विच मिलती है, और यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है, सिंगल हॉर्न है लेकिन बहुत लाउड है, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, बहुत लाउड आपको मिल जाती है। और इस तरफ राइट में फ्रंट ब्रेक ऑयल, इंजन किल स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एकदम यूनिक डिज़ाइन में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे स्टार्ट करने की आपको स्विच मिल जाती है, ठीक है, जो काफ़ी मस्त है। और एक बार ना मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट नॉट भी सुना देता हूँ, ठीक है, तो रुक जाओ। बहुत लाउड आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट देखने को मिल जाती है। अभी गाइस शोरूम में है, ठीक है, तो ज़्यादा एकदम अगर रेव करोगे ना पूरी गूंज जाएगी शोरूम में, तो इतना मेरे को चाहिए नहीं कुछ अभी वैसा, तो वैसे काफ़ी लाउड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलती है, तो क्या ही कहना है, मज़ा सा आ जाता है इसे सुन के। तो अब बात करते हैं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पर आपको 5 inch की आपको LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाने वाला। मैं बैठ के बताता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है।
कि मैं बैठ जाता हूँ और ये जो साइड स्टैंड है ना ये फिर से हटाता हूँ और यहाँ पर आप चेकआउट कर लो गाइस कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ऊपर की साइड यहाँ पर गाइस आपको क्लॉक देखने को मिल जाने वाली है सबसे पहले, उसके बाद ये वाली आपको टेकोमीटर देखने को मिल जाती है, बीच में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियर एबीएस है जो अभी आपको ऑन देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर मोटो एबीएस देखने को मिल जाता है जिसमें आप ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। उससे मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पर होती है। इस तरह आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाने वाला है, स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और इंजन टेम्परेचर की वार्निंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस तरफ गए तो आपको मेन्यू देखने को मिल जाता है जिसमें आपको ABS, बाइक इन्फो, ट्रिप इन्फो, लैप टाइमर, सेटिंग, आपको जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे आप ABS में मोड में एंटर करोगे ना तो एंटर करने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर आपको देख लो रोड और सुपर मोटो देखने को मिल जाता है, ठीक है। सुपर मोटो में जाएगा और इसे सेलेक्ट करोगे तो जो रियर ABS है वो ऑफ हो जाती है और रोड में जाओगे वापस इसे सेलेक्ट करोगे तो रियर ABS जो है वो ऑन हो जाती है, ठीक है। उसको रिवर्स करने के लिए आपको ये स्विच देना पड़ेगा और उसके नीचे आपको बाइक इन्फो देखने को मिल जाती है, इंजन टेम्परेचर, रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस और वार्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप ट्रिप इन्फो में जाओगे तो यहाँ पर आपको दो ट्रिप मीटर देखने को मिल जाते हैं। ट्रिप वन में जैसे आप इंटर करोगे तो ट्रिप वन में आपको एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला, उसके बाद टाइम, रेंज, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको लैप टाइमर मोड देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जब आप यहाँ पे अगर रेस कर रहे हो तो या फिर लैप कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। उसके बाद सेटिंग में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जैसे फेवरेट, ठीक है, कि आपको कुछ फेवरेट यहाँ पर रखना तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, अप एंड डाउन के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और क्विक शिफ्टर प्लस में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिसमें आप इसे ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको स्विफ्ट लाइट देखने को मिल जाने वाला है जो कि 1000 RPM के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाली है, यहाँ पे आप चेकआउट कर लो। उसके बाद आपको क्लॉक एंड डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है और यूनिट्स में आपको यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, टेम्परेचर, कंजप्शन, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप एक्स्ट्रा फंक्शन में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जैसे ABS मोड एंड क्विक शिफ्टर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी फीचर लोडेड आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। साथ ही आपके यहाँ पर ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है जिससे आप कनेक्ट करके कॉल, SMS, अलर्ट, नेविगेशन जैसे फीचर्स भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। कुछ वार्निंग लाइट्स आपको ऊपर मिलती है जैसे मैं आपको फिर से ऑन करके बाद दिखा देता हूँ, तो चेकआउट कर लो। जैसे ऊपर में आपको लो ऑयल इंडिकेटर वार्निंग, इंजन वार्निंग लाइट मिल जाती है, RPM की आपको लाइट यहाँ पर देखने मिल जाती है, उसके बाद ABS की आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है एंड न्यूट्रल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है जो कि काफ़ी मस्त लगती है। सबसे प्यारे मतलब मेरे को पता क्या लगा गाइस, इसके जो स्विच गियर्स है बहुत प्रीमियम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये तो आपको एकदम यूनिक डिज़ाइन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाला है, मैंने कभी ऐसा बाइक में देखा नहीं है। KTM ऐसा में भी आता है या नहीं यहाँ तो मेरे को नहीं पता, लेकिन गाइस काफ़ी यूनिक आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ना गाइस इसकी माइलेज, इसकी टॉप स्पीड एंड प्राइसिंग की, ठीक है। तो माइलेज से शुरू करते हैं, तो माइलेज जो मिलती है ना गाइस मज़े बहुत अच्छी माइलेज मिल जाती है, 31 से लेकर 33 के बीच में आपको यहाँ पर माइलेज देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी आपको माइलेज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से आपको अच्छी खासी माइलेज देखने को मिल जाती है। बात करें गाइस टॉप स्पीड की तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, 146 इसकी जो स्पीडोमीटर है ना वो इंडिकेट करती है, तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाने वाली है। सो अब बात करते हैं गाइस इसकी मेन पॉइंट वो है प्राइसिंग की, अभी आपको एक्स शोरूम और ऑन रोड रांची में क्या प्राइसिंग देखने को मिल रही है। तो एक्स शोरूम जो रांची में प्राइसिंग अभी आपको देखने को मिल जाएगी ना गाइस 2,17,722 और ऑन रोड प्राइस की बात करें रांची की तो वो आपको देखने को मिल जाने वाली है 2,55,000 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यानी थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी हेडलाइट की, वो मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, मैं आपको इसको ना ऑन करके भी दिखा देता हूँ, तो ये चेकआउट कर लो, बहुत अच्छी लगती है, बहुत पावरफुल आपको यहाँ पे इसकी हेडलाइट देखने को मिल जाने वाली, काफ़ी मस्त लगती है। तो आप बताना गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी 2024 हस्क्वर्ना विद पिलियन 250, कमेंट सेक्शन में बताना। अब मेरे को ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना, लाइक करते होना इससे बहुत मज़ा आता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, मज़ेदार लग जाता है, बहुत मज़ा आता है। और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों पे, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करके जाना, मेरे जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हो ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करते होना गाइस तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में, किसी और बाइक के साथ, कार के साथ या फिर किसी स्कूटर के साथ। तो मैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइज़।